शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको एक डाकू से इतनी हमदर्दी क्यों है? दो चार कतरे सूरज की भांग में मिला दो। लेकिन ये तो जहर है। नो, आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए कि ये बात झूठ है। जरनैल ने जिंदगी में सिर्फ दौलत लूटी है, बहु बेटियों की इज्जत नहीं, समझा? मुझे माफ कर दो सरदार। माफी हमसे नहीं, इस लड़की से मांग जिसकी इज्जत पे तू हाथ डाला रहा। मांग माफी इस मामूली लड़की से? ये क्या कह रहे हैं सरदार? जरावर, मैं कहता हूँ मांग माफी। मैं कहता हूं मांग माफी। माफी मांग जोरावर। मैं कहता हूं माफी मांग। माफी मांग जोरावर। बहनों की इज्जत का लुटेरा है। आज के बाद ये जलील आदमी हमारी गिरोह में नजर ना आने पाए। ऐ शाबाश शाबाश मेरा सूरज बेटे, ऐ शाबाश। आज हमका विश्वास हो गया कि हमारे बाद हमारी बंदूक उठाने वाले हाथ मजबूत हो चुके हैं। तो हाथ जैसा बाप हमने आज तक नहीं देखा। जॉन अपने ही बेटे के हाथों में कलम की जगह बंदूक दे दी। वो इसलिए केस बिहड़ में जिंदा रहने के लिए कलम के नहीं बंदूक की जरूरत पड़त है। आग लगे ही बिहड़ के जॉन तुमको ठाकुर जनरल से डाकू जनरल सिंह बना दिया। लेकिन याद रखियो, इस वीराने को तुम हमारे बेटे की तकदीर में लिख दो, ये कभी नहीं हो सकत, समझे? ठकराइन, तुझे कितनी बार कहा है कि माथे से पत्थर फोड़ने की कोशिश मत किया कर। तू कुछ भी कह ले, डाकू का बेटा डाकू ही बनेगा, पुलिस ऑफिसर कभी नहीं बन सकता। तो हर बाप तो एक अच्छा किसान रहा, फिर तुम डाकू कैसे बन गए? कर्म ही इंसान का धर्म है। बहुत अच्छे, ठीक से लिखियो। कर्म ही इंसान का धर्म है। कर्म ही इंसान का धर्म है। तू हट जा।
झोरा हुआ तू पागल हो गवा का। अरे पागल तो तुम्हारा घमंडी ठाकुर हो गया है। उस दो टके की गांव वाली के लिए उसने मेरी बेइज्जती की। अरे जब वो घर लौट के आएगा उसकी खुद की बीवी की इज्जत लूट चुकी होगी। एक कदम भी आगे बढ़ाए तो कि जान से मार डालूंगी। चला गोली, मेरी जान जाने से पहले तेरी अपनी औलाद की जान जाएगी। सूरज जोरावर सोनापुर गांव में रज्जो बाई के कोठे पे है। सूरज पुलिस थाने में है। मुझे गिरफ्तार करने के लिए सरकार ने किसी मर्द को तैनात किया है, मगर एक बच्चे का सहारा लेकर मुझे गिरफ्तार करने वाला कभी मर्द नहीं हो सकता। जर्नैल सिंह, मेरी मर्दानगी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि तुम अभी तक जिंदा हो, वरना वो छाती तुम्हारे पास नहीं है जो इन सब की गोलियों का लोहा बर्दाश्त कर सके। तो आगे बढ़ो और गिरफ्तार कर लो मुझे। जब तक मेरा बेटा तुम्हारे पास है मैं तो हथियार रखते हुए भी निहत्ता हूँ। अगर यहाँ एक डाकू आता तो जरूर गिरफ्तार कर लिया जाता, मगर एक बाप आया है जिसका बेटा खो गया है। सूरज, देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें लेने आए। इंस्पेक्टर साहब, जनरल आज की मुलाकात हमेशा याद रखिए कि कोनो मर्द से मुलाकात हुई रही। माँ भवानी की कसम, जिंदगी में एक ही तमन्ना रहेगी कि अगर मौत आए तो तुमरी गोली से आए, कौन बुजदिल की गोली से नहीं। संग्राम सिंह, हाथ अड़ाकू को छोड़ देना, आखिर से तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब है सर कि जुर्म करना दिमागी बीमारी है और इसका इलाज सख्ती से नहीं, नरमी और भरोसे के जरिए किया जा सकता है। मुझे तुम्हारे लेक्चर की नहीं, एक्शन की जरूरत है। 24 घंटे के अंदर अंदर डाकू जर्नैल सिंह गिरफ्तार होना ही चाहिए।
दिस माय ऑर्डर, अंडरस्टैंड? यस सर। कर्म ही इंसान का धर्म है, कर्म ही इंसान का धर्म है, कर्म ही इंसान का धर्म है, कर्म ही इंसान का धर्म है। ठाकुर, हमार सूरज बड़े स्कूल में जाएगा, खूब पढ़ेगा, देखना मैं इसे पुलिस का सबसे बड़ा अफसर बनाऊंगी। और हमार सूरज जब पहली बार पुलिस की वर्दी पहन के आएगा ना, तो हम दोनों उसे सल्यूट करेंगे। चंपा, तू ये दिन में सपने देखना कब बंद करेगी? सरदार, 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 पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। तो है हमरी कसम, हम तो है नहीं जाने देंगे, हम तो है नहीं जाने देंगे। ठाकुर की बेहड़ में आकर कोई उसे ललकारे, ये ठाकुर कभी सहन नहीं कर सकते। हट जा चंपा। नहीं ठाकुर, ठाकुर, ठाकुर। चन्ना सिंह, तुम चारों तरफ से पुलिस के घेरे में लिए जा चुके हो। हथियार फेंक दो और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें और तुम्हारे साथियों को कम से कम सजा मिले, वरना अपनी और अपने साथियों की मौत के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये दुनिया कहेगी कि सूरज एक कायर का बेटा नहीं, था। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ठाकुर, नहीं ठाकुर, नहीं। मैं कहता हूँ। चुपा, चुपा। सूरज बनाना
ऐसा एक सूरज बनाना जो हमेशा चमकता रहे। ठाकुर तुम मुझे वचन देते हो ना, उसे उसे अपने जैसे कभी नहीं बनाना ठाकुर, कभी कभी। किसकी बेटी हैं आप? हाँ बोलो ना। पापा की। पापा की बेटी हैं, मम्मी की नहीं है ना। हाँ गुड गर्ल, ये ला जाओ जाओ खेलो। ओहो क्या बात है मिसेस संग्राम सिंह, आज सुबह सुबह परेशान नजर आ रही हो, ये खत किसका है? डाकू जनरल सिंह का मैसेज आया है, वो आपसे बिहड़ में भवानी माँ के मंदिर में अकेले बिना हथियार मिलना चाहता है। जनरल सिंह, जनरल सिंह तुमने मुझे बिना हथियार अकेले बुलाया, मैं अकेला आया हूं। तुम अकेले आए हो इंस्पेक्टर, मैं तो हमेशा के लिए अकेला हो गया। जर्नैल जिंदगी की जंग हार गया इंस्पेक्टर, मौत ने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा छीन लिया। वो हाथ जो हमेशा मेरे दामन से गुनाहों के दाग मिटाने की कोशिश किया करते थे, वो हाथ चिता की आग में जलकर राख हो गए। I'm sorry. लेकिन मुझे यहां क्यों बुलाया? अपनी बीवी को दिए हुआ वचन निभाने के लिए। मैं अपने आप को तुम्हारे कानून के हवाले करने आया हूं। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, चंपा ठीक कहा करती थी, डाकू की तकदीर विधाता की कलम से नहीं बल्कि बंदूक की गोली से लिखी होती है। ठीक कहा था उसने, उसे तो मैं गवा चुका, मगर उसकी निशानी को नहीं खोना चाहता। एक बात बताओ इंस्पेक्टर, अगर मैं अपने आप को तुम्हारे कानून के हवाले कर दूं तो तुम्हारा कानून मेरे बेटे के साथ क्या सुलूक करेगा? कानून तो सिर्फ इंसाफ करेगा, और जहां तक तुम्हारे बेटे का सवाल है उसके साथ सुलूक मैं करूंगा, पाप जैसा। मैं उसे डाकू नहीं इंसान बनाऊंगा, उसके हाथ में बंदूक नहीं कलम थमाऊंगा। पाप ने सारी जिंदगी जुर्म किए, बेटा बड़ा होकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करेगा। एक वचन दो इंस्पेक्टर, मेरे बेटे की जिंदगी की किताब में आज के बाद मेरा नाम कभी नहीं आएगा। वादा करो इंस्पेक्टर। मैं वादा करता हूं।
जरनैल सिंह। संग्राम सिंह, आप परसों बाद? कहीं मेरे सूरज को तो कुछ नहीं हुआ ना? क्या बात करते जनरल सिंह, मेरे होते हुए तुम्हारे बेटे को कभी कुछ हो सकता है क्या? मैं तुम्हें यहां से पैरोल पर ले जाने आया हूं। मुझे? तुम्हारी बरसों की तपस्या आज पूरी हो गई। तुम्हारा बेटा सूरज पुलिस अफसर बन गया है। जनरल सिंह, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, पुराने जख्म याद आ गए। दुखों की आदत पड़ चुकी है ना, सारी जिंदगी मायूसी के अंधेरों में गुजर गई। अचानक खुशियों का सूरज सामने आएगा तो आंखों से आंसुओं की जगह खून में निकलेगा। जब खुशी का दिन आया तो हिम्मत हार गए। संग्राम सिंह, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे संभाल लेना, संभाल लेना भाई। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के सबसे होनहार स्टूडेंट श्री संग्राम सिंह के बेटे सूरज सिंह, जो इस बैच में अव्वल आए हैं, उनको हमारे महकमे की तरफ से सोर्ड ऑफ ऑनर दी जाती है। सूरज सिंह, मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया। आज मेरा बेटा इंस्पेक्टर बन गया रे। हमारा सूरज पहली बार पुलिस की वर्दी पहन के आएगा ना, तब दोनों उसे सलूट करेंगे। मुबारक हो सूरज। और दूसरे स्थान पर आए हैं श्री प्रदीप पारिक के बेटे प्रफुल्ल पारिक। तीसरा स्थान दिया जाता है। आप मुझे सलूट क्यों कर रहे हैं बाबा? बेटा, मैं उस मां को सलाम कर रहा था जिसने तुम्हें जन्म दिया। लीजिए माय हैंडसम यंग ब्रदर, आपकी ये बहन आपका ये ड्रेस अपने हाथों से आयरन करके लाई है, क्योंकि आज आपके ड्यूटी का पहला दिन है। और आपकी ये ग्रेट सिस्टर आपको आशीर्वाद देती है कि आप भी डैडी की तरह बहुत बड़े ऑफिसर बन जाएंगे। अरे ओ छुटकी, बड़ा अफसर तो मैं बन ही जाऊंगा,
आपकी दुआ से। पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने मेरे ड्रेस पे बिल्ले लगाए या नहीं। क्यों नहीं लगाए? वेरी गुड सूरज, कानून के जिस रास्ते पर आज से तुम कदम रखने वाले हो वो रास्ता बहुत कठिन है। उस रास्ते पर चलते वक्त तुम्हारे कदमों को दौलत की जंजीरों से जकड़ा जाएगा। तुम्हारे रिश्ते तुम्हारी कमजोरी बना दिए जाएंगे और तुम्हें जान से मार देने की धमकी भी दी जाएगी। लेकिन अगर तुम इन सब चीजों को ठुकरा कर आगे निकलोगे तो मंजिल तुम्हारे सामने होगी। डैडी, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपनी आखिरी सांस तक कानून की हिफाजत करूंगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू डैडी। बेटा, भगवान तुझे तरक्की दे। एक्सक्यूज मी सर, वो कल रात ड्यूटी जरा है। इंस्पेक्टर शर्मा एट योर सर्विस सर। ये कंप्लेंट बुक खाली क्यों? आप तो जानते हैं सर, ये कंप्लेंट बुक एक क्राइम रिपोर्ट होती है और जिस इलाके में रामराज्य है वहां कंप्लेंट कौन करेगा? चल चल दारू बना। ये जग्गू दादा की बस्ती है, यहाँ पुलिस वालों से क्या डरना? ये जग्गू दादा की बस्ती है और जग्गू दादा का जिस पे दिल आता है उसके साथ खेलता है। मैं पुलिस स्टेशन में जाके तेरी कंप्लेंट ले जाऊंगी। पुलिस तो बिकाऊ चीज होती है और हर बिकाऊ चीज हम पहले से खरीद लेते हैं। अरे आज Thank you.
सर, सर आपने, सर ये रहा तुम्हारे रामराज का पहला रावण शर्मा, आज से कंप्लेन बुक लिखना शुरू करो। सर आपने अच्छा नहीं किया सर, इसका बॉस बड़ा खतरा। कौन है इसका बॉस? इस इलाके का बादशाह है सर। मिस्टर शर्मा, लगता है आपकी हिस्ट्री बड़ी कमजोर है। हिंदुस्तान से बादशाह 30-35 साल हुए, खत्म हो चुकी है। नहीं सर, मेरा मतलब है सर। मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह जानता हूं शर्मा। इस पुलिस स्टेशन में वही होगा जो कानून की किताबों में लिखा गया है, समझे? लेकिन सर इस इलाके में आपके उस किताब का नहीं, जाबर का कानून चलता है। उसने की बाहों में झूम के
ब्यूटीफुल वंडरफुल मार्वेलस वेलकम 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 इंस्पेक्टर आज ऐसी कौन सी खास बात है कि कानून खुद चलकर हमारे पास आया है ये इलाका अब मेरे चार्ज में है जाबर और इसमें जितने भी गैर कानूनी धंधे हैं उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह तुमसे बहुत पुरानी कहावत है इंस्पेक्टर साहब कतरा कतरा समंदर में ही जाकर मिलता है और मैं उसी समंदर के बहाव को रोकने आया हूं जाबर मैं तुमसे पहली और आखिरी बार कहता हूं कि आज के बाद तुम्हारे सारे गैर कानूनी धंधे बंद हो जाने चाहिए वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा 322 हड्डियों की जोड़ों पर इंसान का जिस्म खड़ा होता है और उतने ही अड्डों पर जाबर की काली दुनिया भी ये जाबर की काली दुनिया है इंस्पेक्टर हमारा एक अड्डा टूटेगा तुम्हारा एक जोड़ टूटेगा ये वर्दी नहीं कफन है मेरे लिए जाबर और इसे पहनने वाले खतरों से नहीं डरते तो प्रॉमिस क्यों इंस्पेक्टर इसे देखकर ताज्जुब हो रहा है ना ये जाबर के समंदर की सबसे छोटी मछली है जिस पर तुमने कानून का जाल फेंका था लेकिन अब ये आजाद है Hands up. कौन तुम क्या चाहिए तुम्हें तमाम रुपए पैसे और जेवरात मेरे हवाले कर दो वरना पैसे भी जाएंगे और जान भी देखिए हम बहुत गरीब हैं बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं हम तुम्हें पैसे कहां से देंगे चुप कर फूलन देवी फौरन कबर्ड की चाबी दे वरना ए लीजिए अरे तू हाँ मैं जीजा जी आपकी प्यारी साली लेकिन आपने तो मार मार के मेरा भरता बना दिया वनीषा ऐसा मजाक फिर मत करना छी मेरे तो जान ही निकल गई थी तुम लोगों को अपनी जान की पड़ी है मेरा तो यहाँ सुसु ही निकलने वाला था मेरा प्यारा बिट्टू आंटी आंटी मैं टैक्सी ले आया अच्छा दीदी ओके जीजा जी मैं चलती हूँ इतनी जल्दी काय को जाती कल चले जाना अरे दीदी दो महीने की तो बात है उसके बाद एग्जाम्स खत्म और कॉलेज की जिंदगी भी आप दोनों ने इतनी तकलीफें उठाकर मुझे पढ़ाया है बस उसके बाद आप दोनों आराम करेंगे और मैं नौकरी ना? अच्छा मैं चलती हूँ ओके बाय जीजा जी बाय 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 बिट्टू बाय आंटी हेलो एंटोनी स्पीकिंग एंटोनी कल सुबह सुलेमान सेठ के यहाँ माल पहुंच जाना चाहिए आप फिक्र मत करिए जाबर साहब माल पहुंच जाएगा हेलो इंस्पेक्टर सूरज स्पीकिंग इंस्पेक्टर सूरज आज दोपहर 3 बजे पारसागांव चेकपोस्ट से नामी स्मगलर जाबर कमाल एक गाड़ी में पास होने वाला है जाबर कमाल मगर आप कौन बोल रही हैं आपके शुभचिंतक Thank you.
हाँ बोलो शर्मा। जाबर सिंह, इंस्पेक्टर सूरज को खबर मिल चुकी है कि आपका माल पारसागांव चेकपोस्ट से गुजरेगा, इसीलिए उसने वहाँ नाकाबंदी करके रखी है। नाकाबंदी? हाँ। वो क्या होता है? वहाँ से गुजरती हुई हर गाड़ी वो लोग चेक करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, पहली बार सुना है ना, इसलिए समझ में नहीं आया। लेकिन चाबर का माल जाएगा, जरूर जाएगा। सर, हमने हर कार हर ट्रक की तलाशी ले ली, कहीं कुछ नहीं मिला। सर, लगता आपको किसी ने गलत खबर दी, कहीं कुछ भी नहीं मिला। नहीं, मेरी इंफॉर्मेशन गलत नहीं हो सकती। गो बैक एंड चेक। ओके सर, चलो। hey, नीचे उतरो, तलाशी लेनी है। तलाशी? हाँ। आओ, तुम आगे की गाड़ी देखो। ओके सर, मैं यहाँ तलाशी लेता हूँ। जाने दो। Thank you.
इंस्पेक्टर, तूने एंथनी को पकड़ लिया। जाबर के आदमी को पकड़ने का अंजाम। एंथनी, मैं तुम्हारी सजा कम करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, अगर तुम कबूल कर लो कि तुम जाबर के आदमी हो। जाबर? गॉड प्रॉमिस साहब, आप उन्हें पहले कभी उसका नाम नहीं सुना। ये वही नाम है एंथनी, जिसकी वजह से तुम्हें 7 साल की सजा हो सकती है। 7 साल? हाँ एंथनी, जरा सोचो, तुम्हारे बगैर तुम्हारे बीवी और बच्चे का क्या होगा। एंथनी, सिंथिया, इंस्पेक्टर ठीक कहता है, तो बता क्यों नहीं देता कि जाबर का काम तू करता है। हमारा क्या हालत है तेरे को क्या पता, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। जब तक जाबर जिंदा है अपन को खाने पीने का कोई तकलीफ नहीं होगा। एंथनी ने ठीक ही कहा है, जाबर के होते हुए तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, न खाने की न पीने की। तेरे को शर्म आनी चाहिए अपनी साथी की बीबी के साथ ऐसी बदतमीजी करते हुए। बदतमीजी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ, और प्यार करना कोई बुरी बात तो नहीं। तुम्हें 5,000 क्या मैं 10,000 दूंगा। आओ। मुझे मत छू, मुझे मत छू, मुझे मत छू। अगर तुमने छुआ तो आपने आपको मार डालेगा, आपने आपको मार डालेगा। तुम मेरे पास नहीं आना, तुम मेरे पास नहीं आना, तुम मेरे पास नहीं आना। ऐसा जुल्म मत करो। लोग तो ऐसे प्यार के लिए तरसते हैं, और तुमने प्यार के लिए जान दे दी। थिएटर की पास वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया हुआ है। जागीरा, जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसे मार देना चाहिए, और एंथनी पागल हो चुका है। वो तो पुलिस ही उसे मार देगी। नहीं, इंस्पेक्टर साहब, आपका भागा हुआ मुजरिम एंथनी इस वक्त रंग महल थिएटर के पास, जहां जाबर की बिल्डिंग बन रही है, वहां मिलेगा। जाके देख लीजिए। Thank you.
इंस्पेक्टर सूरज ने खून किया। ये जाबर का जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो पुलिस वाला खूनी और खूनी गवाह बन जाता है। शाबाश जागीरा। थैंक यू बॉस। अब इंस्पेक्टर सूरज को पुलिस मेडल नहीं हथकड़ी पहनाएगी। गवाहों के बयानात और लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि मुलजिम सूरज सिंह ने अंथोनी को इमारत की छत से नीचे फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। लिहाजा ये अदालत मुलजिम सूरज सिंह को फोटोज का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है योर ऑनर, योर ऑनर। ये फोटो इंस्पेक्टर सूरज को बेगुनाह साबित करके असली मुजरिम को फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकती हैं। क्या आप अदालत को बता सकती हैं कि ये तस्वीरें आपको कहां से मिली हैं? मिली नहीं योर ऑनर, मैंने खुद खींची। उस वक्त मैं वहीं थी जब यह हादसा हुआ था, और इंस्पेक्टर सूरज सिंह निर्दोष होते हुए भी पकड़ा गया। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, छोड़, छोड़ दे। इस नए सबूत की रोशनी में इंस्पेक्टर सूरज सिंह के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, लिहाजा यह अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। थैंक यू ऑनर। थैंक यू वेरी मच। आज आपने आप नहीं, मेरा नाम गीता है, होना ही चाहिए। आज आपने मुझे अदालत में बेगुनाह साबित करके मुझ पर ही नहीं बल्कि इंसाफ पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। ये एहसान नहीं, मेरा फर्ज है। जब तक जिंदगी रहेगी मैं नाइंसाफी के खिलाफ लड़ती रहूंगी। कमीने, तूने मेरी बहन और मेरे जीजा एंथनी को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। जो मर चुके हैं उनकी चिंता बेवकूफ करते हैं, जो जिंदा है उनकी फिक्र करो। सुना है एंथनी का एक बेटा भी है। बेटा तुम्हें जिंदा चाहिए या जाबर को चुनौती देने का मतलब है मौत को दावत देना। अरे इतना नहीं समझती कि तेरे बूढ़े बाप के कंधों में अब इतनी शक्ति नहीं रही कि जवान बेटी की अर्थी का बोझ उठा सके। आप कैसी बातें कर रहे हैं पापा, मुझे तो कुछ नहीं होगा। आप तो खामखा। मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला, हम लोग आज ये शहर छोड़ देंगे। अगर बेटी की जगह बेटा होता तो आप कभी जाते? तब क्यों जाता, जवान बेटे का सहारा बाप को झुकने नहीं देता। तो फिर आप क्यों जा रहे हैं बाबा, आपका बेटा तो आपके सामने खड़ा है। हाँ बाबा, मुझे आशीर्वाद दो बाबा कि जो काम आपका बेटा अधूरा छोड़ गया है वो मैं पूरा कर सकूं। भगवान तुझे सुखी रखे बेटा।
है। शट अप। छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैं कहती हूँ छोड़ो, छोड़ दो। बदतमीज, तुम्हारी वजह से मेरे हाथों एक गुंडा बच निकला। गुंडे तो तुम भी हो जो मुझे यहाँ भगा कर ले आए। एक शरीफ लड़की को भगाने के जुर्म में मैं तुम्हें 7 साल की सजा करवाऊंगी। इसकी नौबत नहीं आएगी मेम साहब, शायद आप नहीं जानती कि मैं खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। अरे जा जा, बहुत देखे तुझ जैसे पुलिस इंस्पेक्टर। वो तो बाद में देख लेना, पहले चाबी तो ढूंढ लो, वरना घर कैसे जाओगी? हाँ मेम साहब, चाबी तो आप सुबह ही मिलेगी। लगता है आज की रात किसी आसपास के गांव में गुजारनी पड़ेगी। कमीना पदर चूया पद जेरा फर्जी शुद्ध पीना है अगर हसीनों के साथ पी एक
रेसिपी। आदमी जागीरा को पकड़े जाने से बचाया, हम बहुत खुश हुए। बस इसी तरह सूरज के साथ प्यार का नाटक रचाती रहो, फिर तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी, ना रहने की, ना खाने की और ना पैसों की। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ये बात तो तुम पहले भी कह चुकी हो। हाँ कही थी, लेकिन जो आप कह रही हूँ वो करके दिखाऊंगी। मुझे ना सुनने की आदत नहीं, समझे? आंटी, आंटी। अरे अरे अरे, बड़ा प्यारा बच्चा है भाई, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? बिट्टू एंथनी। बिट्टू एंथनी। वेनिशा, आजकल शहर में बहुत गुंडे आए हुए हैं, बच्चे उठा ले जाते हैं, संभाल कर रखने से। जाओ बेटी। अरे पगली, तुमने तो बच्चों की तरह रोना शुरू कर दिया। हाँ, एक भाई तो पहले ही खो चुकी हूँ, डरती हूँ कोई मुझसे मेरा दूसरा भाई न छीन ले। गीता, बदमाशों के हाथ अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए कि तुम्हारे भाई की गर्दन तक पहुंच सके, लेकिन अब तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं, इसलिए आज से तुम मेरे घर पे रहोगी। नहीं भैया, मौत तो एक बार ही आती है, लेकिन मैं चाहती हूं जब भी वो आए तब उसके सामने कोई कायर नहीं बल्कि तुम जैसे बहादुर भाई की बहन खड़ी हो। जावर साहब, वनीशा इंस्पेक्टर सूरज को अपने प्यार के जाल में फांसते फांसते कहीं खुद उसके प्यार के जाल में फंस गई। लंबे आदमी की अकल घुटनों में होती है, वो तो सुना था, मगर तुम्हारी अकल घुटनों में भी नहीं। जागीरा, खतरा मुझे वेनिशा से नहीं बल्कि उस फोटोग्राफर लड़की गीता से है, जिसे आज तक तुम भी मेरे रास्ते से नहीं हटा सके। चावर साहब, आज या तो वो लड़की जिंदा रहेगी या फिर मैं। गुड, दैट्स द स्पिरिट। ये लो पेशगी, बाकी Thank you.
नहीं भैया, मौत तो एक बार ही आती है, लेकिन मैं चाहती हूँ जब भी वो आए तब उसके सामने कोई कायर नहीं बल्कि तुम जैसे बहादुर भाई की बहन खड़ी हो। जागीरा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। हेलो जावर साहब, इंस्पेक्टर सूरज ने हमारे कलूपर वाले गोडाउन पर छापा मार दिया है और वो जागीरा की तलाश में है। जावर साहब, इंस्पेक्टर सूरज ने हमारी नकली दवाइयों को लेबोरेटरी पर छापा मार दिया है और उसने हमारे सारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है, वो जागीरा की तलाश में है। हेलो जावर साहब, पुलिस इंस्पेक्टर सूरज ने हमारे शराब के गोदाम में आग लगवा दी और वो जागीरा की तलाश में है। अब कौन से अड्डे पर छापा मारो उसे? इतनी जल्दी घबरा गए हो जाबर? ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक मैं अपनी बहन के खून का बदला नहीं ले लेता। फैसला तुम्हें करना है जाबर, चाहो तो जागीरा को बचा सकते हो क्या अपने काले धंधे की जागीर को। यू बास्टर्ड! ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं तुम इसी दुनिया के जन्मे इंसान हो या आसमान से उतरे फरिश्ते हो। बियर्ड ने तुम्हें डाकू बना दिया था, जेल ने तुम्हें शायर बना दिया, काफी अच्छी शायरी वारी करने लगे हो। शायरी नहीं कर रहा हूं, सच कह रहा हूं। क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? कुछ रिश्ते भगवान बनाता है, कुछ इंसान बनाता है। तुम मुझे अच्छे लगे, मैंने तुमसे रिश्ता जोड़ लिया। काश तुम जैसा फरिश्ता रिश्तेदार दुनिया के हर इंसान को मिल जाए। अरे फरिश्ता रिश्ता छोड़ो, जल्दी करो, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। इस दिन का इंतजार मुझे कई सालों से था कि मैं बाप बेटे को फिर से मिला दूं। आज से हम दोनों साथ में रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? डरता हूं मेरे बीते हुए कल की परछाइयां सूरज के आने वाले कल पे न पड़ जाए। मुझे डर लगता है। जान पर धब्बा जरूर है लेकिन वो साया पैदा नहीं हुआ जो सूरज के माथे पर लग जाए। फिक्र मत करो जनैल, दुनिया सूरज को तुम्हारे नाम से नहीं मेरे नाम से जानती है और मेरा बीता हुआ कल उतना ही उज्ज्वल है जितना कि आज।
आज से तुम जनरल नहीं जसपाल हो, मेरे दोस्त, मेरे भाई। सर, सर डीआईजी साहब का फोन आया था कि आप फौरन बिलासपुर के लिए रवाना हो जाइए, वहां दंगा फसाद हो गया है। ओके जसपाल, ये मेरे घर का एड्रेस है, तुम चलो मैं आता हूं। बाबा कहां जा रहे हैं आप? ये इस पते पे जा रहा हूं। मैं वहीं तो जा रहा हूं, आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूं। आइए ना बाबा, आइए। सिर्फ इतना है कि वो तुम्हारी आखिरी ठोकर थी और ये मेरी पहली ठोकर है। क्यों? पहचाना नहीं जर्नैल? मैं तुम्हारा पुराना वफादार साथी जोरावर। तू? तू अब तक जिंदा है? तुम्हारे नमक का हक अदा किए बगैर कैसे मर सकता हूं सरदार? सरदार? वो सरदार तो कब का मर चुका जरावर, कब का मर चुका। मर चुका है, मगर तुम्हारा बेटा इंस्पेक्टर सूरज तो अभी तक जिंदा है। तुझे कैसे मालूम कि सूरज मेरा बेटा है? कैसे मालूम? ये सब मैंने अपने मरहूम मालिक से सीखा, जिसे मैंने ही मार डाला और उसकी सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। हाय, भगवान उन्हें जन्नत नसीब करे। उनका कहना था कि दुश्मन को कभी गोली से मत मारो, उसका जीना आराम कर दो, वो खुद ब खुद मर जाएगा। अगर तूने मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा मैं तुझे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, बराबर? मैं तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। मुझे मारने से पहले अगर लोगों को ये पता चल जाए कि वो हरामजादा कमिश्नर का बेटा नहीं बल्कि एक डाकू का बेटा है तो दुनिया उस पर थूकेगी, वो सर उठाकर जी नहीं सकेगा और फिर तुमसे मिलने से पहले वो खुद अपने आप को फांसी लगा लेगा। फिर तुम्हारी 20 साल की तपस्या का क्या होगा सरदार? सर, अगर मेरे खून से तेरी प्यास बुझती है तो मेरी जान ले ले, मगर मेरे बेटे का राज किसी को मत बताना। मेरे बेटे का राज किसी को मत बताना सुरावर, उसे कुछ मत करना। तुम कहते हो तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने उस थानेदार से कह देना आज के बाद जाबर की दुनिया में झांकने की कोशिश ना करे, वरना शहर की किसी गली में उसकी लाश लावारिस पड़ी मिलेगी। छोड़ो इसे। मेम साहब, ए मेम साहब, सॉरी सॉरी, रात को आया नहीं, बहुत जरूरी काम था। अरे तुम यहां बुद्ध बने क्या बैठे हो? अरे सुनो, बाप बेटे को मिला है कि नहीं? जी वो सूरज रात को लेट आया था। क्या रात को लेट आया? मैं भी मिलवाता हूं। सूरज, सूरज आया डैड। क्या बात है डैड? इनसे मिलो, ये हमारे भाई जसपाल सिंह जी। अरे नमस्ते नहीं बेवकूफ, इनके चरणों की धूल लो और अपने माथे पर लगाओ, यही वो धूल है जो सितारे बनकर आज तुम्हारे कांधे पर चमक रहे हैं। आ।
इंसान है। तेरे कांधे के ये सितारे मेरी चरणों की धूल से नहीं बल्कि इस इंसान की मेहनत के लगाए हुए सितारे हैं। इनकी हमेशा पूजा करना बेटा, हमेशा पूजा करना। और बेटा, अखबारों में तेरी बहादुरी के कारनामे पढ़े, लोगों की जबानी सुने बहुत खुशी हुई सुनकर, मगर बेटे तुम्हारी जिंदगी के रास्ते में कुछ खतरनाक दुश्मन ऐसे हैं जो कमान जसपाल, मेरे बेटे को बुजदिल मत समझो, ये हर तूफान से टकरा सकता है। और ये मत भूलो जसपाल, इस पर एक का नहीं दो बापों का आशीर्वाद है। राइट सन? राइट डैड। ओके डैड, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूं। हाँ, चाओ। नमस्ते। अच्छा बेटे। भाई साहब, अब आप आ गए हैं तो जल्दी से सूरज की शादी कर दीजिए। मम्मी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, भैया की शादी तो कर देनी चाहिए, मगर भैया से कौन लड़की शादी करेगी। मैम साहब। हेलो सूरज, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? जब मुझ जैसी कोई लड़की किसी हैंडसम लड़के को चाहती हो तो उसका नाम, पता, खानदान सब पता कर लेती है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम तो नाम ऐसे पूछ रहे हो जैसे किसी चोर से कुछ बकवा रहे हो। लड़की से नाम ऐसे थोड़ी ही पूछा जाता है। तो फिर कैसे पूछा जाता है? एक बहुत रोमांटिक जगह हो, एटमॉस्फेयर भी बहुत रोमांटिक हो, और मैं एकदम अकेली बैठी हूं, और तुम खूब बन ठन के आते हो और पूछते हो, वो तेरा नाम क्या है, वो तुझे काम क्या है, वो तेरा नाम क्या है, वो तुझे काम क्या है, मिल ही गए हो तो कह दो क्या दिल का बेवाम है। कहना तो कुछ भी नहीं है, बस चाहत का पैगाम है, रे 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 तेरा नाम क्या है, वो तुझे काम क्या है, मिल ही गए हो तो कह दो क्या दिल का पैगाम है। अज कहना तो कुछ भी नहीं है, बस चाहत का पैगाम है, रे 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 तेरा नाम क्या है, वो तुझे काम क्या है। नाम मैंने अपना बताया तो तुझे घर का पता चल जाएगा, घर का पता चल जाते ही मेरी गलियों के चक्कर लगाएगा। चक्कर में डाल के हमको तुम पीछा छुड़ाने लगी हो, आंखें लड़ा के हमसे क्यों आंखें चुराने लगी हो। प्यार की पहली नजर का कैसा ये अंजाम है, रे 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 तेरा नाम क्या है, वो तुझे काम क्या है। पता बताओगे न अपना, हम कैसे तुम्हें ढूंढ पाएंगे, आज मिली हो इत्तेफाक से कल कैसे तुम्हें मिल पाएंगे। थोड़ा तुम्हें तरसाएंगे फिर हम जरा पास आएंगे, सच्चे हो तुम या के झूठे सच्ची मोहब्बत का मेरी कैसा ये इनाम है, रे 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 तेरा नाम क्या है, तुझे काम क्या है। मैं
आई हो दुनिया के मेले में, कभी मिलना हमें तुम अकेले में। मिलती हो दुनिया के मेले में, कभी मिलना हमें तुम अकेले में। पता है अकेले में तुम क्या करोगे, बहुत देर तक घर पे जाने न दोगे। करना तो कुछ भी नहीं है, बस शादी का पैगाम है। रे 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 तेरा नाम क्या है, तुझे काम क्या है, मिल ही गए हो तुम कह दो, क्या दिल का पैगाम है। आज कहना तो कुछ भी नहीं है, बस शादी का पैगाम है। रे 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 वो तेरा नाम क्या है, वो तुझे काम क्या है, वो तेरा नाम क्या है, क्या है, वो तुझे काम क्या है, वो तेरा नाम क्या है, क्या है, वो तुझे काम क्या है, वो तेरा नाम क्या है। गुड मॉर्निंग सर, आपने जो हमका फिल्म रोल डेवलप करने को देल रहा उका फोटो आएगा। आइए 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 इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे घर आए, खुदा की कुदरत है। अरे आपने क्यों तकलीफ की, हमें बुला लिया होता। जाबर, इसे पहचानते हो? इंस्पेक्टर साहब, दिन में हजारों आदमियों से मुलाकात होती है मेरी, इसे पहचानना मुश्किल है। अब क्या ख्याल है? पसीना पहुंच लो जाबर, शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। मैं याद कर रहा हूं इंस्पेक्टर साहब कि इतनी बड़ी रकम मैं हमेशा चेक से दिया करता हूं। ब्लैक का पैसा रखने वालों के यहां आजकल बहुत रेड्स होती हैं। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस इंसान को तो जानता तक नहीं। जाबर, ये वही आदमी है जिसने एंथनी को मारा था और इसी ने गीता की जान ली है। जरूर ली होगी, आदमी शक्ल से ही खूनी लगता है। और ये खूनी तुम्हारा ही आदमी है जाबर। इंस्पेक्टर साहब, आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि किसी का चेहरा किसी के चेहरे पर भी लगाया जा सकता है। वैसे आप ये साबित नहीं कर सकते कैसे रुपए मैंने गीता का खून करने के लिए दिए, और आप ये भी साबित नहीं कर सकते कि ये आदमी मेरा है। सर, एक लड़की है प्रेजेंट आपके लिए दे गई है। प्रेजेंट? हेलो इंस्पेक्टर, जो रुमाल तुमने मुझे दिया था पसीना पोंछने के लिए, अब खुद इस्तेमाल कर लो। बाय द वे, मेरा तोहफा कैसे लगा इंस्पेक्टर साहब?
बहुत खूबसूरत, लेकिन मेरी एक बात। एक मिनट, मैंने अपनी अभी बात खत्म नहीं की इंस्पेक्टर साहब। तुम एक छोटी सी तस्वीर लेकर आए थे ये साबित करने के लिए कि जागीरा मेरा दोस्त है। अब मेरे तोहफे के बाद तुम ये साबित नहीं कर पाओगे कि तुम मेरे दोस्त नहीं। तो ये चाल तुमने मुझे फांसने के लिए चली है। क्या करो सूरज, जब से तुम मेरे इलाके में आए हो मछली का काटा बन गए हो, और अब इस डोर को काटे बिना कोई चारा भी तो नहीं। लेकिन एक वादा रहा, अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों ने ये तस्वीर देख ली तो तुम्हारा प्रमोशन नहीं डिमोशन हो जाएगा, और अगली मुलाकात में तुम मुझे हवलदार की वर्दी में नजर आओगे। अपनी कामयाबी पर बेवकूफ हंसते हैं जाबर, वैसे कभी कभी बेवकूफ अकलमंदी का भी काम करते हैं। तुमने मुझे यह तस्वीर भेजकर अपनी अकलमंदी का सबूत दिया, लेकिन अपनी जबान खोलकर बेवकूफ बन बैठे। अगर मुझे कुछ हुआ जाबर, तो जो कांटा तुम मेरे लिए तैयार कर रहे हो वो तुम्हारे गले में होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं। बिट्टू, बिट्टू। मनीषा, इंस्पेक्टर सूरज से दोस्ती कहां तक पहुंची? कहिए क्या करना है मुझे? दो दिन बाद शिवरात्रि है, खुशियों का त्योहार जिसमें हर आदमी रंग और भंग के नशे में चूर होता है। मैं चाहता हूं इस बार सूरज को ऐसा नशा चढ़े जो कभी ना उतरे। मतलब? इसके दो चार कतरे सूरज की भांग में मिला दो। लेकिन ये तो जहर है। लो। तुम्हारे हाथों पिएगा तो उसे अमृत लगेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं सूरज से प्यार करती। प्यार तो तुम बिट्टू से भी करती हो जो इस वक्त मेरे कब्जे में है। सही सलामत। We'll be right back.
नहीं था सूरज, तराजू के एक पलड़े में मेरी मोहब्बत थी, दूसरी में मेरी बहन का चिराग बिट्टू। बिट्टू की जान बचाने के लिए मैंने अपनी मोहब्बत को दांव पर लगा दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं सूरज, मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, मैं उफ तक नहीं करूंगी। बचपन से लेके आज तक मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई गई है कि गुनहगार को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और तुम्हें भी सजा जरूर मिलेगी। सजा जरूर मिलेगी। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जाबर ने उस मासूम को कहां कैद कर रखा है। अजंता अपार्टमेंट्स के बेसमेंट में। बेसमेंट? Come on.
खून के बाद दुनिया ये हरगिज नहीं मानेगी कि सूरज संग्राम सिंह का बेटा है, छुटकी का भाई है, बल्कि ये जानना चाहेगी कि तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है, कौन है वो तुम्हारा। 20 साल जेल में गुमनामी की जिंदगी गुजार कर तुमने बाप का फर्ज अदा कर दिया है। सूरज को जन्म जरूर तुमने दिया है, पर अपनी छाती से लगाकर मैंने उसे पाला है। वो कायर नहीं है, बहादुर बाप का बहादुर बेटा है। वो अपना हिसाब खुद चुकाएगा। जिस बेटे की खुशी के लिए तुमने अपने हथियार डाल दिए, उस बेटे की बहन की सगाई कुछ दिनों बाद है, क्या ये खुशी भी तुम सूरज से छीन लेना चाहते हो? संडे के रिसेप्शन में फैमिली को लेकर आइएगा। नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आज के दिन तो ना हो ही नहीं सकती। अगर आज आपके बेटे की जगह मेरे बेटे की शादी होती तो मैं तो 10-10 गिलास पी लेता। लीजिए ना। अच्छा भाई लाओ। जर्नैल सिंह, कमिश्नर साहब ने अपने बेटे बेटी और खानदान की तारीफ में तो बहुत कुछ कह दिया, लेकिन यह बताना भूल गए कि उनके खानदान का ताल्लुक चोर और डाकुओं से भी है। यह क्या कह रहे हैं संधि जी? ये मेरा भाई है, ये जर्नैल सिंह नहीं, ये जसपाल है। आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, मेरी नहीं। आज से 20 बरस पहले यह शख्स मेरी अदालत में लाया गया था और इसे सजा मैंने सुनाई थी। नहीं, ये बात नहीं है। आपको जरूर कोई धोखा हुआ है। धोखा हुआ नहीं, बल्कि अब आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी बेटी के लिए कोई ऐसा खानदान ढूंढिए जो जर्नैल सिंह और जसपाल में फर्क महसूस न कर सके। हम आपके साथ रिश्ता जोड़ना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा मत कहिए।
हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये तो मत कीजिए। तो इस खानदान से रिश्ता जोड़ने से मेरे बेटे की जिंदगी आबाद हो जाएगी। हटो मुझे, चलिए। ये आदमी कौन है डैडी? हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है सूरज, लेकिन इस सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है डैडी। ये आदमी कौन है जिसकी वजह से आपने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त की? मेरी बहन को बर्बाद देखकर भी अब चुप रहे, हमारे खानदान को गाली दी गई फिर भी आपने कुछ नहीं कहा। बोलिए डैडी, ये आदमी कौन है? मैंने कहा ना कि ये मेरा भाई जसपाल है। डैडी आप मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइए और कहिए कि ये बात झूठ है, सच नहीं। मैं तेरी कसम खाता हूं कि जिस तरह तू मेरा बेटा है उस तरह ये मेरा भाई है। हाँ चरनेल, इस घर के तुझ पर गिनत एहसान है, अगर तू इस घर की भलाई चाहता है तो चला जाए यहां से। तू अपनी जात पर उतर आया ना? नहीं बेटे, इससे पहले कि मैं तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दूं, ये बता तू मेरे कमरे में क्या करने आया था? क्या हुआ सूरज, क्या बात है भैया? मत कहो ऐसे भैया माँ, ये एक डाकू है और डाकू से हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सूरज, मेरी बहन की जिंदगी तो ये बर्बाद कर चुका है माँ, इससे पहले ये कोई और तूफान खड़ा करे मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगा। गेट आउट। सूरज, तुम जानना चाहते थे ना कि जसपाल तुम्हारे कमरे में क्यों गया था? मैं बता तुम्हें। नहीं, नहीं संग्राम सिंह, आपको मेरी कसम, आपने वाकई मुझे नहीं पहचाना, आपके बेटे ने ठीक पहचान लिया, मैं कोई जसपाल नहीं, मैं डाकू चरनेल सिंह हूं। तुमने ठीक कहा बेटे, एक डाकू का तुम जैसे शरीफों के खानदान से क्या रिश्ता हो सकता है? मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं बेटे, कोई रिश्ता नहीं। बाहर निकलोगे वो इंस्पेक्टर सूरज
पागल कुत्ते की तरह तुम पर टूट पड़ेगा और फांसी का फंदा हम दोनों के गले में होगा। फांसी का फंदा तो हमारे गले में जरूर होगा, लेकिन जाबर साहब जिंदगी भर में यहां भी तो नहीं रह सकता। जब तक जाबर जिंदा है तुम यहां नहीं रहोगे। मैंने तुम्हारे बाहर जाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। यह रहा तुम्हारा पासपोर्ट और यह रही तुम्हारी टिकट। इसका मतलब आज ही मुझे भेष बदल कर इस देश से बाहर जाना पड़ेगा। बस सिर्फ कुछ दिनों के लिए ताकि गीता और एंथनी के कातिल को इंस्पेक्टर सूरज क्या उसका बाप भी ना पकड़ सके। इंस्पेक्टर सूरज, आपका मुझे में जागिरा इस वक्त रामपुरा के कंट्रोल में छुपा हुआ है। लेकिन सुनिए, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप बोल रहा हूं बेटे। मेरे होते हुए तुम्हारी बीवी और बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होगी। एंथनी को भी तुमने यही कहा था। जागेरा, चिल्लाओ मत जाबर। तुम तो वो शैतान हो जिसने अपने साथी की बीवी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन जाबर मैं एंथनी नहीं जागीरा हूं। मरूंगा भी तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा जाबर। अब तू नहीं जा सकता क्योंकि मेरा बेटा सूरज आके तुझे गिरफ्तार करेगा। जर्नल, तुम्हारा बेटा मुझे गिरफ्तार नहीं करेगा, तुम्हें करेगा, क्योंकि ये खून मैंने नहीं तुमने किया है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता इसे। ऐसा ही होगा जर्नल, वरना तुम्हारी 20 साल की तपस्या का क्या होगा? वो राज जो तुमने अपने दिल में छुपा रखा है उसका क्या होगा? जब सूरज को यह पता चलेगा कि वो संग्राम का नहीं तुम्हारा बेटा है, एक डाकू का, तो क्या वो अपने आप को फांसी नहीं लगा लेगा? नहीं, बराबर, तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तुम। इसलिए तो कह रहा हूं ये खून मैंने नहीं तुमने किया है। सूरज, ये खून मैंने किया है। ये आप क्या कर रहे हैं डैड? लेट्स सेलिब्रेट माय सन। मेरे बेटे ने एक खूंखार डकैत को गिरफ्तार कर लिया। कुछ दिनों बाद उसे फांसी हो जाएगी और मेरे बेटे के सीने में मेडल लग जाएगा। मेडल, एक जिंदगी का मुआवजा, एक मेडल। कल इस घर में चिराग जलेंगे, ये घर रोशन हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का सफर चमक उठेगा। लेकिन जिस दिए की बदौलत तुम चमकोगे, उस दिए में तेल नहीं किसी का खून होगा। मेरी समझ में नहीं आता डैड कि आपको एक डाकू से इतनी हमदर्दी क्यों है। हमदर्दी डाकू से नहीं, तुमसे हो रही है। जिस मेडल को लगाने के लिए तेरी छाती बेचैन हो रही है, कल उसी के पीछे कैसा दाग मिलेगा
एक ऐसा दाग कि सारी जिंदगी तू रोता भी रहा तो अपने आंसुओं से उसे धो नहीं सकेगा। डैड, ये आप कौन से दाग की बात कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है बताना बेटे, बहुत मुश्किल है। मुझसे वो राज की बात कही नहीं जाएगी, और अगर कह दिया तो तुमसे भी सुना नहीं जाएगा। तुमसे नहीं सुना जाएगा बेटे, नहीं सुना जाएगा। डैड, तुम सुनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने कलेजे को पत्थर का बना लो, अपने दिल को लोहे की तरह मजबूत कर लो, क्योंकि मुझे डर है उस राज की बिजली से तुम्हारा दिल छलकर राख न बन जाए। ऐसी क्या बात है डैड? बेटे, जिसे तुम्हें प्यार करना था उससे तुमने नफरत की, जिसे गले लगाना था उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया, जिसके कदमों में तुम्हें अपना सर रखना था उसके गले में तुमने फांसी का फंदा पहना दिया, वो कोई और नहीं बल्कि बल्कि तुम्हारा बाप है। हाँ सूरज, तुम्हारा बाप। तुम? हाँ बाबा। आपका बेटा सूरज? मेरा? हाँ बाबा। तुझे पता चल गया कि मैं तेरा बाप हूं? सूरज बेटी। बाबा मेरे बेटे। बाबा मेरे बच्चे। नहीं बेटे, तुम चले जाओ यहां से। अगर अगर दुनिया को पता चल गया कि तुम संग्राम सिंह की नहीं एक डाकू की बेटे हो तो तुम्हारी रुसवाई होगी। शर्म के मारे नहीं बाबा, मुझे शर्म नहीं, फक्र है कि मैं आपका बेटा हूं। मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए बाबा कि मैं आपके माथे से वो दाग मिटा सकूं। बोलो बाबा, वो खूनी कौन है? बोलो बाबा, बोलो बाबा। बाबा तुम्हें मेरी मां की सौगंध। मत बेटा मत, उस देवी की कसम मत दे, मैं तुझे नहीं बता सकता, नहीं बता सकता मैं तुझे। बाबा अगर आपने मुझे नहीं बताया तो आपको फांसी होने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात मत कर, मत कर ऐसी बात। बोलो बाबा, बोल वो खूनी का नाम, बोल बाबा। उसका नाम, उसका नाम है जाबर। अरे जाबर की शतरंजी चालों से वजीर और बादशाह भी मात खा जाते हैं, ये जर्नैल और उसका बेटा तो मामूली से प्यादे हैं। जाबर, अब तो
तो तेरी मौत उतनी ही दूर है जितनी दूर मैं खड़ा हूं। इंस्पेक्टर, ये तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं, जाबर का चक्रव्यूह है, जहां से तुम्हारा बाप जर्नैल भी बच के निकल नहीं पाया। अरे तू क्या चीज है? से पहले मैं लेना चाहता हूं। सर आप मेरा यकीन कीजिए, जरनैल सिंह मुजरिम नहीं है, उसने किसी का खून नहीं किया। खूनी है तो जाबर, इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है सर, मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूं। इंस्पेक्टर शर्मा ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं और यह भी बताया है कि जागीरा का खून जाबर ने किया है, जरनैल ने नहीं। यह रही उसकी स्टेटमेंट्स। संग्राम सिंह, इंस्पेक्टर शर्मा की स्टेटमेंट की बुनियाद पर तुम जरनैल सिंह को जेल से निकालने की इजाजत कोर्ट से ले सकते हो। थैंक यू सर।
पापा। बेटा, जिस बाप के लिए तूने ये बंदूक उठाई है उसको कानून ने माफ कर दिया है। चल बेटा, चल घर चल। जब तक मैं जाबर का नाम और निशान नहीं मिटा देता मैं वापस नहीं आऊंगा बाबा। जाबर को सजा कानून देगा, तू अपने हाथ में कानून मत ले बेटा। अगर कानून होता तो वो आपको गुनहगार नहीं ठहराता बाबा, बल्कि जाबर को गुनहगार ठहराता। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा बाबा, आप यहां से चले जाओ। नहीं बेटा, मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा, चल मेरे साथ। मैं कहता हूं आप यहां से चले जाओ बाबा। देख बेटा, जिस बाबा की जान बचाने के लिए तू मौत से लड़ रहा है, अगर तू उसके साथ नहीं गया तो वो अपनी जान दे देगा। तेरी कसम, वो अपनी जान दे देगा बेटा। नहीं बाबा, बाबा को किसने फंसाया था? मेरी बहन गीता को किसने मारा था? बोल। मैंने। तेरे गुनाहों की सजा अब मैं तुझे दूंगा जाबर, मुझसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। यही वो मुजरिम है जो समाज के नाम पर धब्बा है सर। नहीं सूरज, कानून को अपने हाथ में मत लो। नहीं सर। बाबा, बेटा, बच्चा, सलाम। तेरा बेटा बाबा।